सोचते हो बी लॉग किसको। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे है एक हीरो की एक्सपल्स, आप सभी जानते हैं ऑफ रोड के लिए सबसे अच्छी बाइक है, मतलब लो बजट में। तो इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत आपको जानकारी दूंगा जितना मैं जानता हूँ। आज मैंने इसको चलाया बाइक को, जो कि आई थिंक मैंने 3 या 4 साल बाद मैंने बाइक चलाई है। इससे पहले जो मैं बाइक चलाता था मेरे पास थी रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा, हिमालयन भी चलाया है, कई सारी बाइक्स चलाई है, जैसे कावासाकी का Z900 मैंने चलाया है, स्ट्रीट ट्विन मैंने वो भी चलाया है, चलो वो अलग चीज़ है। सीधा सीधा आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा इस बाइक के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही है। एक्सपल्स 200cc का बाइक है, पावर फिगर्स आपको नेट में आपको सर्च करके मिल जाएगा, इसके कितनी पावर फिगर है, कितना आउटपुट, ये कितनी BHP की बाइक है या फिर कितना टॉर्क ये जनरेट करता है, तो इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। तो बात करेंगे हम इसके एक आउटलुक के बारे में, कि एक मतलब फर्स्ट टाइम जब आप बाइक को देखते हो ना, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है इस बाइक में। तो सबसे पहले फ्रंट से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, फ्रंट में इसके जो ये विंडशील्ड है, तो ये भी एक टूरिंग पर्पस के लिए है, मतलब इसका जो विंडशील्ड का थोड़ा सा यहाँ से कर्व है इस तरह का, ताकि जो है विंड ब्लास्ट आपको ना हो, कम से कम हो। और इसमें आप फ्रंट की बीक देख सकते हो, ये भी ऑफ रोड टाइप की ही है, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो नॉर्मल एक्सपल्स है उससे काफ़ी ज़्यादा इसका सस्पेंशन ट्रैवल है, क्योंकि ऊंची भी है उससे ये जो नॉर्मल एक्सपल्स है। और आपको यहाँ पे हेडलाइट मिल जाती है, एक बार मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, हेडलाइट आपको LED मिल जाती है, LED DRLs है, और जैसे आप इसको गाड़ी को स्टार्ट करोगे वैसे इसकी हेडलाइट जल जाती है। फिर हम इसकी बात करेंगे, इसमें स्पोक व्हील्स आते हैं, आपको यूजुअली आपने देखा होगा कि एलॉय व्हील्स, आप मैक्सिमम जो बाइक्स है एलॉय व्हील्स में आती है, जो कि ज़्यादा रोड ओरिएंटेड रहते हैं, रोड फोकस्ड रहते हैं। तो ऑफ रोड के लिए क्या होता है कि थोड़ा बहुत ये भी आपको सस्पेंशन में क्या होता है कि ऑफ रोड में बेटर कॉन्फिडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। ये है 90-90-21, तो ये 21 इंच का ये जो है व्हील रहने वाला है, जो कि आपको टायर जो आता है सीएट की तरफ से आता है। इसका नाम आप यहाँ देख सकते हो एक्सपल्स प्रो करके है, जो प्रो मॉडल्स है इसमें। प्रो मॉडल का आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ सस्पेंशन से रिलेटेड, आप देख सकते हो सस्पेंशन एडजस्टमेंट का कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये फ्रंट सस्पेंशन है, मेरे को प्रॉपरली मेरे को इसके बारे में नहीं पता है, बट आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि प्रो मॉडल्स में ही आएगा ये इस तरह का। सेकेंडली हम आ जाते हैं अब इसके रियर सस्पेंशन के बारे में। रियर सस्पेंशन आई थिंक इसमें मोनो सस्पेंशन दिया हुआ है, मोनो सस्पेंशन है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑयल कूल्ड है, ये जैसे कि आपको मिलता है यहाँ पे जो ऑयल कूलिंग के लिए यहाँ दिया जाता है, इसमें ऑयल सर्कुलेट होता है जो इंजन में गर्म होता है, जैसे हाई RPM पे जब गाड़ी को आप रैप करते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि जो इंजन ऑयल है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो उसी को ठंडा करने को दिया हुआ है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो है आता है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आता है, जैसे नॉर्मली पहले की बाइक्स में आपको कार्बोरेटेड बाइक्स होते थे जो जिसमें कार्बोरेटर का यूज़ होता था, तो अब इसमें जो है फ्यूल इंजेक्शन यूनिट लगा है इसमें, जो कि बाइक की परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी कर देता है। जैसे हम थ्रॉटल यहाँ से पुल करते हैं तो वैसे ही हमारे को इनिशियली पावर एकदम से मिल जाती है, जो कि ऑफ रोड में और ऑन रोड पे आपको दोनों में ही हेल्पफुल होने वाली है। इसका जो हैंडल बार है काफ़ी वाइड है, मतलब जब आप ऐसे पथरीले रोड्स पे जाते हो ना, तो उसमें क्या होता है ना कि ये टायर कभी इस साइड पत्थर आता है, कभी बड़े बड़े पत्थर आते हैं, तो वो हैंडलिंग अच्छे से नहीं हो पाती। जैसे इसमें वाइड इसका जो इसके मैंने हैंडल बार जो इसका वाइड देखा ना मैंने, तो उससे क्या होता है कि हैंडलिंग जो है बाइक की बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप बाहर से इसको ग्रिप करते हो ना, तो एक वाइड ग्रिप मिलता है आपको। बात करते हैं अब, जो पिछला टायर है वो भी अगेन सीएट की तरफ से ही है, जो इसमें जो टायर सेक्शन है 120/80/18 का ये टायर है, टायर साइज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है ग्रिपर XL करके, काफ़ी अच्छा है ऑफ रोड के लिए, काफ़ी अच्छा टायर है ये। हम बाइक के दूसरी तरफ आ गए हैं, जहाँ पे आपको इसमें किक स्टार्ट भी मिल जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक स्टार्ट है ये गाड़ी, आपको किक स्टार्ट भी मिल जाता है, रियर में भी इसमें जो है डिस्क ब्रेक मिलती है, और साथ में आप यहाँ देख सकते हैं जो फुट पैड्स है ये वाले, इसमें जो है ये नॉब जैसे दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये ऑफ रोड ग्रिप के लिए सबसे बेस्ट ये रहता है यहाँ पे। और पीछे इसकी साइलेंसर की बात करेंगे तो साइलेंसर इसका अप स्वैप्ट है,
मतलब ऊपर की तरफ है, जो कि ऑफ रोड के लिए क्या होता है ना कि अगर साइलेंसर नीचे होगा तो कहीं ना कहीं वो बच जाता है। मैं इसकी वो प्रॉपर रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको फर्स्ट उसमें कैसा आपको ये बाइक दिखने वाला है। फिर बात करते हैं अब इसकी स्विंग आर्म की, जो देखने में तो मेरे को ना पर्सनली मैं बताऊँ ना, स्विंग आर्म मेरे को ऐसी लगती है मतलब बहुत हल्के टाइप की, बट हल्की ये शायद से की गई है इसलिए क्योंकि जितना आपका बाइक लाइट वेट होगा ना ऑफ रोड में आप उतनी ही उसको अच्छे से मनूवर कर सकते हैं उस बाइक को। इसका मीटर कंसोल दिखाता हूँ ना, मीटर कंसोल कुछ इस तरह से है, आपको ये मिल जाता है। ये साइड स्टैंड का भी इंडिकेशन दिख रहा है यहाँ पे, ये न्यूट्रल का है, ये आई थिंक इसका ABS स्विचेबल है। तो ये था इस बाइक का एक ओवरव्यू, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरे को ज़्यादा टेक्निकली इसको मैं ज़्यादा पता नहीं है, मैं जस्ट एक मेरे फ्रेंड की बाइक है तो मैं इसको लेके आया, मैं काफ़ी टाइम बाद मैंने बाइक चलाई तो अभी मैं चला के देखता हूँ इसको।